तो महम विधायक बलराज कुंडू ने जो आरोप लगाया था पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर पर, उस पर अब बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मेरे पास पुख्ता सबूत है पूर्व सहकारिता मंत्री के खिलाफ। सरकार को समर्थन देने पर भी उन्होंने बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह के कहने पर मैंने समर्थन दिया। तो महम विधायक बलराज कुंडू का ये बड़ा बयान सामने आया है, लगातार वो आरोप लगाते आ रहे हैं पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर पर, जिस पर उन्होंने कहा है कि मेरे पास पुख्ता सबूत है। अब दूसरी तरफ सरकार को समर्थन देने को लेकर भी बलराज कुंडू ने यहाँ पर बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह के कहने पर मैंने समर्थन दिया। तो ये बड़ा खुलासा एक तरह से कहा जा सकता है विधायक बलराज कुंडू की तरफ से यहाँ पर किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता जितेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र, एक तरह से बड़ा खुलासा यहाँ पर महम विधायक ने किया है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि समर्थन मैंने रंजीत चौटाला के कहने पर दिया, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास पूरे कागजात हैं, पूरे सबूत हैं। देखिए, सीधे तौर पर बलराज कुंडू का ये कहना है कि जो निर्दलीय जो विधायक है, जिस प्रकार से भाजपा का एक दल है, जजपा का एक दल है, कांग्रेस का एक दल है, उसी प्रकार से निर्दलियों का भी एक दल है और निर्दलियों के उस दल ने एक साथ बैठ करके रंजीत सिंह के साथ जो चाय पर चर्चा है वो की थी। इस प्रकार से अमूमन जो तमाम दल हैं विधानसभा के सत्र से पहले विधायक दल की जिस प्रकार से बैठक करते हैं, ठीक उसी ओर इशारा करते हुए बलराज कुंडू का भी ये कहना था कि उनकी तरफ से भी एक चाय पर चर्चा की गई थी रंजीत सिंह के साथ और सभी निर्दलीय विधायक वहां मौजूद थे। और साथ ही उनका ये कहना था कि जिन मुद्दों को लेकर के वो चल रहे हैं उनमें जिस प्रकार से एफआईआर उनके खिलाफ की गई है उससे वो दबने वाले नहीं है और ऐसी स्थिति में मनीष ग्रोवर के खिलाफ जो मोर्चा उन्होंने खोला हुआ है उसे और आगे खोलेंगे और यदि सरकार की तरफ से ऐसा इसमें सहयोग नहीं किया गया, जो भी मुद्दा वो उठा रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जाने के लिए भी तैयार है। बिल्कुल, कुछ देर पहले सुभाष बराला ने भी बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये उनका मामला है और न्यायिक तौर पर प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। बलराज कुंडू लगातार अभी सुर्खियों में बने हुए हैं, बयानबाजी वो कर रहे हैं, मंशा क्या हो सकती है इनकी? देखिए, सीधे तौर पर राजनीतिक लड़ाई के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है और दूसरी ओर भ्रष्टाचार को लेकर के जिस मुद्दे को उठा रहे हैं उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर होना कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होते हुए ही नजर आ रही है। लेकिन इस बात को सियासतदानों की तरफ से या सत्ता पक्ष की तरफ से स्पष्ट किया जा रहा है कि ये दो लोगों के बीच का मामला है और इस मामले में उनका ये कहना है कि किसी भी प्रकार का सरकार की तरफ से हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन बलराज कुंडू ये कह रहे हैं कि इस प्रकार की एफआईआर से वो नहीं दबेंगे और मनीष ग्रोवर के खिलाफ जो मीलों को लेकर देखना होगा कि इस पर क्या कुछ रुख निकल कर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका।